हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेडिंग डाल लीजिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे ये वर्क करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहले ये समझो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है का और कहाँ फील आएगा आपको? आपने ये तो सुना होगा कि कभी भी एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है और एक हाइड्रोजन है, उनके बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। सबसे पहला एग्जाम्पल वाटर था, लेकिन हम इसको यहाँ पर डेप्थ में पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए, लिखते जाए। फर्स्ट पॉइंट है इट इज ए डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट, ओनली दोज हाइड्रोजन, ओनली दोज हाइड्रोजन कैन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम एच बॉन्डिंग भी बोलेंगे। विच डायरेक्टली अटैच्ड अटैच्ड टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यानी वही हाइड्रोजन जो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली अटैच्ड टू दिस। यानी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? नहीं। और थर्ड पॉइंट, ओनली दोस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच आर डायरेक्टली अटैच्ड। डायरेक्टली का मतलब कोवलेंटली अटैच्ड अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम और गेटिंग नेगेटिव चार्ज, गेटिंग नेगेटिव चार्ज। यानी कि हम बात करें इन सभी केसेस को मिला के तो बहुत इजी पॉइंट्स आ रहा है कि एच एफ, ध्यान से देखिएगा, एच एफ है, एच एफ एक केस लिया, एच एफ है एच एच, दूसरा केस लिया एच एफ है एफ एफ, तीसरा केस लिया एच एफ है एफ माइनस, चौथा केस लिया एफ माइनस है एच एफ। चार केसेस है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहां होगी कहां नहीं होगी, ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच पेयर जनरेट
एज बॉन्डिंग, एज बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या पहला पेयर बनाएगा, हाँ या ना? हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, यहां पर क्या होगा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, तो क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगी, समझ में आ रहा है? देखिए यहां प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा जनरेट हो गया क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, लेकिन नहीं होगा, यहां क्या चार्ज होगा, जीरो जीरो, तो क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी? नहीं, तो ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, यहां पर भी प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, क्या यहां पर जीरो जीरो चार्ज है? हाँ, यहां पर भी नहीं बनेगी, तो ये भी नहीं बनेगी, यहां पर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, क्या यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी? हाँ यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ गया? टफ लग रहा है? नहीं। नेक्स्ट ई पॉइंट, एच एफ, और मैंने ले लिया एच सी एल, सही है? तो यहां पर प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा डैश, क्या यहां पर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा? होगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल सकें। तो यहां पर जो भी अट्रैक्शन होगा, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट, डायपोल डायपोल अट्रैक्शन प्रेजेंट, बट लेस वैल्यू ऑफ डेल्टा डैश, इट्स नॉट से एज बॉन्डिंग, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, तो यहां पर भी नहीं होगी, एच एफ और एच सी एल में भी नहीं होगी, सही है? आ गया बात समझ में? तो आपने कुछ पॉइंट्स बहुत अच्छे से सीखे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ है कहाँ नहीं है। नेक्स्ट, करें आगे, यहां हमारे पास लास्ट वाला डायपोल अट्रैक्शन है, क्यों? क्योंकि यहां पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है जितनी, सॉरी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है जितनी फ्लोरीन की होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की तो ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो उस अट्रैक्शन को तो हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते हैं, यानी हमारे लिए हाइड्रोजन बॉन्ड डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, लेकिन स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन है, तो वहां जहां मैंने डायपोल डायपोल लिखा है वहां एक वर्ड डालेंगे स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो तभी होगा जब सफिशियंट पॉजिटिव डेल्टा चार्ज हो और जब सफिशियंट नेगेटिव डेल्टा चार्ज हो, और नेगेटिव डेल्टा चार्ज तभी आएगा जब फ्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़े और हाइड्रोजन फ्लोरीन से जुड़े, आ रही है बात समझ में? तो भी ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ले लेते हैं हम ई, एक और केस ले लेते हैं एफ, अगर हम एच एफ ले लेते हैं और यहां एच ओ एच ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाँ ये है, क्योंकि ऑक्सीजन भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन भी है, एच एफ, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और साइज बहुत बड़ी है, कुछ समझ में दिक्कत आ रही है? अब आ गया समझ में? यानी हमारे लिए आसान भाषा में क्या है की पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो होता है, नेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, और थोड़ा सा कम होता है क्लोरीन, तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देते हैं ड्यू टू बिग साइज। दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
और इससे भी कम होता है सल्फर। और ऐसे बहुत बड़ी टेबल होती है, दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कुछ समझ में आया अच्छे से? हटा दूं मैं? तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको लिखना है, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। एज बॉन्डिंग सिंपली ए स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल, स्ट्रॉन्ग के नीचे अंडरलाइन, स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन विद इन या अपोजिट इन विद इन अपोजिट चार्ज एंड, यानी दो चार्ज एंड्स के बीच में स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन होगा। अब इसको समझे तो ये स्ट्रॉन्ग डायपोल डायपोल अट्रैक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिल सकता है? वाटर सबसे पहला एग्जाम्पल बना था हमारा जहाँ ये देखने को मिला था, सही है। दूसरा पॉइंट, यानी हमारे लिए इस पॉइंट्स को ऐसे भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से एक होगा, और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन होगा जो फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से जुड़ा होगा। तो यहाँ प्लस डेल्टा होगा और यहाँ पर माइनस डेल्टा होगा, और इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा पक्का। इस हाइड्रोजन का फ्लोरीन से जुड़ा होना जरूरी है, इस फ्लोरीन का हाइड्रोजन से जुड़ा होना जरूरी है। कोई डाउट? अब अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकेंड आ रहा है आपके पास वो है, आपने ये देखा हाइड्रोजन एटम, क्या एक हाइड्रोजन दो फ्लोरीन से जुड़ सकता है? नहीं, यानी वन हाइड्रोजन ज्वाइंट बाय सिंगल एटम, सिंगल एटम ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो कहीं ना कहीं यहां हमारे लिए आ रही है थर्ड पॉइंट। मुझसे अगर पूछा जाए कि थर्ड पॉइंट क्या बन रहा है हमारे पास, तो ये जो डायरेक्शन होगी हाइड्रोजन की वो लोन पेयर की डायरेक्शन में होगी, किसकी तरफ? ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा आपका थर्ड पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज टुवर्ड्स लोन पेयर ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, यानी ये एक तरह से उस तरफ जाएगा जिस तरफ लोन पेयर की डायरेक्शन है, यानी उस तरफ डायपोल मोमेंट, उसे सब डायपोल डायपोल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, सही है। तो ये बात हमारे लिए बहुत अच्छी हो गई थर्ड नंबर का, कि हमारे को यहाँ पर बात करना है तो फ्लोरीन, हमारे पास फ्लोरीन है, ध्यान से सुनिएगा, इसके पास क्या है? हाइड्रोजन है। फ्लोरीन के पास क्या है? हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन है तो इसके पास तीन लोन पेयर है, तो दूसरा हाइड्रोजन किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा जहां लोन पेयर है, ये दूसरा HF हो गया। और यहां से हमारा एक हाइड्रोजन इस HF का जुड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं यह हमारे पास इस तरह से मूवमेंट चलता रहेगा, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, यहां हमारे पास कौन आएगा? हाइड्रोजन, और ये फिर हमारे लिए फ्लोरीन, जो यहां लोन पेयर आएगा, सॉरी ये वाला और ये इस तरह से होगा। तो कुल मिला के आपके पास फ्लोरीन में एक तरह से देखा जाए तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोन पेयर की वजह से फ्लोरीन हाइड्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन इस वी शेप या बैंड शेप, बैंड शेप का होगा, जबकि बॉन्ड एंगल फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन इज लीनियर। आप देखो फ्लोरीन हाइड्रोजन फ्लोरीन लीनियर दिखेगा, जबकि ये क्या दिखाई देगा? बैंड शेप का, क्योंकि यहां जो
हाइड्रोजन है वो उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, लोन पेयर, और लोन पेयर यहाँ है, कहीं पे भी जाए वो बनेगा बैंड शेप, ये पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ बैंड बनेगा, बनेगा बैंड टी। तो कुछ लोग इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी कम होती है, तो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नहीं बोल सकते हम, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए भी नहीं बोल सकते क्योंकि हाइड्रोजन में एट ए टाइम एक ही बॉन्ड रहेगा, दूसरा ऑर्बिटल एम्प्टी ऑर्बिटल है कहाँ उसके पास, तो ये भी हमारे लिए दिक्कत का पॉइंट आ रहा है। तो फोर्थ पॉइंट हमारे लिए रहेगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी लेस, और ये लगभग टू, मतलब आपके लिए अगर मुझसे पूछा जाए मोटा मोटा 3 to 40 किलो कैलोरी पर मोल के ऑर्डर में चलेगा, जो कि 1/10 है ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट, पक्का बॉन्ड एनर्जी कोऑर्डिनेट से कम होगी और वांडरवाल से ज्यादा होगी, सही है? तो ये कोऑर्डिनेट तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होता है, उससे तो कम होगी। ये सारे पॉइंट्स आपके लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए है। आगे नेक्स्ट फिफ्थ, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा वीक भी नहीं है, इजीली जनरेट और इजीली डिसोशिएट। तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या लिख सकते हो, एच बॉन्ड इजीली जनरेट एंड इजीली ब्रेक। ये हमारे पास एक और पॉइंट हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, लिखते जाएं बहुत सारे पॉइंट्स हैं फास्ट। एक और पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एटम, यानी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ किस में होगी, एच एफ में, फिर एच टू ओ में, और फिर एन एच थ्री में, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट, सेवेंथ नंबर पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में मैं एक और बात कहना चाहूंगा, और वो ये है, ये चीज क्लियर है, वो ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन सिंगल मॉलिक्यूल मे बी मोर देन वन, इन सिंगल बॉन्ड मॉलिक्यूल एच बॉन्ड मे बी मोर देन वन, मे बी मोर देन वन, एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन कैसे पता लगाया जाए इसके लिए समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल एच एफ को देखिए, एच एफ को देखिए, तो एच एफ मॉलिक्यूल के अंदर एच भी बनाएगा और एफ भी बनाएगा, यस और नो? तो बाय हाइड्रोजन एटम कितनी बनेगी, एक, और बाय फ्लोरीन एटम कितनी बनेगी, एक, टोटल कितनी हुई, टोटल दो। ये तो हुआ फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड, एच टू ओ बाय हाइड्रोजन एटम्स, कितने हाइड्रोजन एटम्स है, दो, तो दो होगी, और ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, दो,
तो ऑक्सीजन कितने बना सकता है? टू, दो बना सकता है। अब आपके दिमाग में आएगा सर फ्लोरीन के पास तो तीन लोन पेयर है, तो देखिए हो ये रहा है कि इसको कितने चाहिए, एक एक चाहिए, तो ये कितने दे पाएगा, एक ही दे पाएगा, खत्म शाम। इसको कितने चाहिए, दो, किसी और के साथ दो, और यहां पर भी क्या हो सकता है, दो दे सकता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो जब सामने वाले को एक ही चाहिए, एक ही, और मेरे पास कितनी हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। थर्ड, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ले सकते हैं। समझ में आ रही है बात? मैं बोरिक एसिड में बात करता हूं, ये है बोरिक एसिड, ये OH है, ये एक को देगा, ये एक को लेगा, बस खत्म, क्योंकि OH एक ही ग्रुप है, ये H2 तो है नहीं, ये क्या है, OH ग्रुप। तो एक OH में एक ऑक्सीजन एक देगा, H एक देगा, समझ में आ रहा है? कितने OH ग्रुप है, तीन, एक को एक देगा तो टोटल कितने हो जाएंगे, छह हो जाएंगे, बिल्कुल, बाय H एटम्स खाली है। लेकिन एक साथ समझिए कि इसका एक OH किसी और के एक OH के साथ अटैच हो रहा है, तो एक देगा ये और एक किसी और से लेगा, बस खत्म, बात बराबर हो गया मामला, ये भी देगा ये भी ले लेगा। अब ऐसा करना चाहते हैं कि हमारे हाइड्रोजन पूरे ऑक्यूपाइड हो गए और ऑक्सीजन भी हो गए, ठीक है। विदाउट हाइड्रोजन क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी क्या, नहीं, सारे हाइड्रोजन को जोड़ लो उतने ही ऑक्सीजन आ पाएंगे, तो बाय हाइड्रोजन एटम्स थ्री, बाय ऑक्सीजन एटम थ्री, टोटल सिक्स। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि कितने हाइड्रोजन है, बस उसको देख लो, जितने हाइड्रोजन है सामने वाले के पास उतने ही लोन पेयर है, तो टोटल उतने देख लो, तो दो हाइड्रोजन है, दो तो ये बनाएगा, दो चार, बस खत्म बात। इस जगह ऐसे भी, बाकी ये एक याद करने के लिए बहुत अच्छा अप्रोच है, यही पूछा जाएगा, इसके अलावा पूछ भी नहीं रहा आपसे। तो हम ये भी बोल सकते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रहा, किसकी बात कर रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल, किसके प्रोपोर्शनल होगा, नेक्स्ट एट नंबर का पॉइंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, दोनों पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कभी स्ट्रेंथ जीतेगी कभी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जीतेंगे, ठीक है। इस पे एक एग्जांपल बन सकता है, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम से पता चलेगा, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की, खत्म, ये अपन कर चुके हैं और किसी पे नहीं। क्या चीज बेटा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड किस में, H2O में कितने हैं, चार हैं, वही मैं ले रहा हूं एग्जांपल में, तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हमारे लिए इस पॉइंट्स पे आएंगे, फिलहाल तो हमारे लिए मेल्टिंग पॉइंट डोमिनेट करेगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तो डायरेक्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग से रिलेटेड आ गया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही आ गया। तो कंपेयर मेल्टिंग पॉइंट ऑफ H2O एंड HF, किसका ज्यादा होगा, HF और H2O में, H2O इज मोर देन HF, क्यों, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर फोर, फोर, और यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर, और फोर टू से बड़ा होता है तो ये भी हमारे लिए बड़ा होता है, ठीक है।
तो ये हमारे लिए हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स में से एक। कुछ खास पॉइंट्स हमारे पास और आ रहे हैं, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो हेडिंग डाल लीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कैसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लासिफाइड करते हैं, इट इज टू टाइप्स। फर्स्ट इंट्रामोलिकुल, इंट्रामोलिकुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंट्रामोलिकुल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ध्यान से सुनना, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इस बात पर डिपेंड कर रही है कि जो जिन एटम्स में हो रहे हैं हाइड्रोजन वो एक ही मॉलिक्यूल के पार्ट हो, ठीक है। तो यानी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल, यानी सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे CH3 में ये बहुत अच्छा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये ध्यान से देखिएगा, यहां मेरे पास OH है और यहां C डबल बॉन्ड OH है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? हाँ पक्का। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऑक्सीजन से क्यों, इस वाले ऑक्सीजन से होनी चाहिए, नहीं, देखिए यहां नेगेटिव चार्ज है इस ऑक्सीजन पे, ठीक है, जबकि यहां पर क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज ओ माइनस तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, बनाएगा आराम से बनाएगा, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाँ, कौन सी बॉन्डिंग होगी, ये दोनों ऑक्सीजन इंटर या इंट्रा, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ में आ गया, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इससे क्या होगा, ध्यान से सुनना, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, इसके क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके ऑफ इंट्रा, इंट्रा एच बॉन्डिंग, फर्स्ट इजीली जनरेट, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल में ड्यू टू इंट्रा, इंट्रा का मतलब सेम, ड्यू टू इंट्रा इफेक्ट, इंट्रा मॉलिक्यूल इट इजीली जनरेट एंड कंपैरेटिवली लिबरेट हाई एनर्जी, तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट करेगा ज्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, पॉसिबल तभी हो पाएगी, ये पहले लिखना था, जब जहां एटम है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास हो, दूर नहीं हो, पॉसिबल ओनली इन केस व्हेन एटम्स आर प्रेजेंट क्लोज, या एटम्स आर क्लोज, यानी अगर ये यहां पर है तो हो जाएगा, ये दूर हो गया सी डबल एच तो नहीं हो पाएगा, हाँ, इसीलिए ये एक दूसरे के बहुत पास आने चाहिए, बस खत्म। बॉन्ड लेंथ के बारे में अभी ये कुछ भी नहीं बोल रहा है, इसका इस बॉन्ड लेंथ से कोई मतलब भी नहीं है, लिखाई दिया मैंने आपको। थर्ड पॉइंट यही आ रहा है कि आप ये देखिए, इससे नेटवर्क बॉन्डिंग बन रही है क्या, दो मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं क्या, नहीं ना, तो चेन नहीं है, तो इट इज नॉट ए नेटवर्क बॉन्डिंग, इट इज नॉट ए नेटवर्क बॉन्डिंग,
सो इट डू नॉट इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इससे इसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते नहीं है, जो है वही रहेंगे। आप फील करिए कि जो है वही रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी कि अगर किसी और कारण से पहले ही बढ़े हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी वजह से नहीं बढ़ेंगे। ये इसने बताया, ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये हमारे लिए हो गया इंट्रा। मैं आपको फिर बताऊं, बताना चाहूंगा कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, डायमंड वाला या नाइट्रोजन वाला। देखा जाए तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये काफी स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होगा इस जगह, लेकिन क्योंकि ये नेटवर्क है तो नेटवर्क होने से इसकी अलग तरह की हार्डनेस होगी। मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। नहीं, यहां पर एक बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, यहां एक साथ तीन बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। खत्म। बस उसी लिए बोल रहा हूं, चेन होने की वजह से कुल मिला के बस ये बेनिफिट होगा आपके पास यहां पर कि इसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होंगे और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम। इसीलिए N2 को जलाया नहीं जा सकता, जबकि डायमंड जल जाता है आराम से, बॉन्ड टूट जाता है, जल भी जाता है। समझ में आ रहा है? तो रिएक्टिव कौन ज्यादा हुआ, N2 या ग्रेफाइट डायमंड? ग्रेफाइट डायमंड। N2 हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है, इनर्ट गैस की तरह बोल देते हैं क्योंकि नेटवर्क बॉन्डिंग, लेकिन उसमें नेटवर्क बॉन्डिंग नहीं है इसलिए वो गैस है। तो चलिए, इंटर के बाद कौन सा आएगा, इंट्रा के बाद कौन सा आएगा? इंटर। तो लिख लीजिए, सेम पूरा का पूरा हमारे को लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आप जल्दी से इसको साफ करें। एक और पॉइंट रह गया, इंटर हो गया हमारा, इंट्रा हाइड्रोजन पे इंटर रह गया, इंट्रा हो गया, इंटर INTER, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो बहुत आसानी से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन टू मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन टू मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास OH है और ये आपके पास C डबल बॉन्ड ओ OH है। अब आप देखिए, क्या ये OH और इन दोनों के अंदर इंट्रा पॉसिबल है क्या? नहीं। पहले इंट्रा को चेक करो, इंट्रा पॉसिबल है क्या? नहीं। तब आप क्या करोगे, या तो ये करोगे कि इस तरह से आप बनाने की कोशिश करोगे। आ रही है बात समझ में? तो अब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसको क्या बोलोगे, इंटर या इंट्रा? इंटर। नेक्स्ट, इसके साथ एक और है, बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इंटर ही शो करते हैं। इंटर या इंट्रा? इंटर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है सबसे पहले कि ये बॉन्डिंग अपने आप में नेटवर्क बॉन्डिंग है, इंट्रा के कंपेयर में, किसके इंट्रा के कंपेयर में डिफिकल्ट जनरेट होती है क्योंकि वो तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, दो मॉलिक्यूल के पास आना जरूरी है। तो इट इज ए स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू इंट्रा, चाहे तो लिख लीजिए, इट इज स्लोअर देन इंट्रा। फर्स्ट चांस इंट्रा को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट जो आके बात, इट इज ए नेटवर्क बॉन्डिंग, सो दैट मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
थर्ड पॉइंट, यहां पर एक और ऐड करा लो, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी भी यही आएगा, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी। जितना ज्यादा विस्कस होगा सॉलिड की तरफ जाना, विस्कोसिटी बढ़ाना है, ठीक है पक्का? तो कौन ज्यादा विस्कस होगा, ग्लिसरीन या वाटर? ग्लिसरीन पक्का। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है उस वो ज्यादा विस्कोस भी होगा। और एक और पॉइंट हमारे लिए क्या कहते हैं, वॉलेटाइल नेचर, वॉलेटाइलिटी, प्रोपोर्शनल वन बाई इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वोलेटाइल का मतलब कहीं ना कहीं क्या होता है, वेपराइजेशन बनना, तो ये हाईली वोलेटाइल है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो तो वो हाइड्रो, क्योंकि वो हाईली वोलेटाइल होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से उसकी वॉलेटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, तो इनवर्सली हो गए। ये तीन पॉइंट्स आपके पास हो गए, यस और नो? अच्छे समझ में आ गया? फर्स्ट चांस इंट्रा को मिलेगा, सेकेंड चांस इंटर को मिलेगा। तो इसकी वजह से कई बार कंपाउंड कन्वर्ट इन डाइमर, डाइमर बना लेता है, डाइमर का मतलब दो मॉलिक्यूल जुड़ना, या फिर पॉलीमर, दो से ज्यादा मॉलिक्यूल भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। जैसे कभी कभी यहां पर कितने जुड़ रहे हैं, बहुत सारे जुड़ रहे हैं देखो, तो ये तो पॉलीमर बन गया, कभी डाइमर भी बन सकता है। इसका एग्जांपल है बेंजोइक एसिड, नॉर्मल अगर बेंजीन बेंजोइक ले लेंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे तो डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट हो सकता है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगा, ठीक है? यहां तक समझ में आया तो इसको लिख लीजिए, डाइमर कैसे बनता है पूछ ही रहा है तो मैं बता ही देता हूं। आगे देखिए, ये आपके पास क्या है, सी एच सी, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ये आपके पास क्या है, ओ एच सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया, तो ये कन्वर्ट इन डायमर, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। यहां सी एच थ्री की जगह पीएच भी लिख सकते हो, पीएच लगते ही ये क्या हो जाएगा, फिनाइल रिंग होती है, क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड पक्का, तो डाइमर बन गया। हाँ अगर तीन मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो पॉलीमर, लाखों मिल जाते हैं जैसे बेंजोइक एसिड या में मिल जाते हैं ना, कंटिन्यू मिलते जाते हैं, तो क्या कहलाएगा, पॉलीमर पक्का। तो ये आपके लिए बहुत, जैसे आइस है, आइस के अंदर कंटिन्यू वाटर, एक एच टू, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा, पांचवे से, पॉलीमर बहुत है। आज के लिए हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस, हेडिंग के साथ लिखें स्ट्रक्चर ऑफ आइस, स्ट्रक्चर ऑफ आइस। देखिए आइस के बारे में मैं बहुत जल्दी से बताना चाह रहा हूं, पहले समझ लीजिए कि आइस है क्या। ये ऑक्सीजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ये आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉटेड, फिर ये ऑक्सीजन, ये डॉटेड, ये इस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये हमारे पास एक तरह से देखा जाए तो यहां हमारे पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो ये प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, जल्दी बताइए, नॉन प्लेनर, लेकिन ये होगा पिरामिडल ही होगा, यहां पर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल होगा, दो चार हाइड्रोजन है टेट्राहेड्रल शेप में, और ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा नेटवर्किंग, तो इसको बोलेंगे ओपन क्लीवेज स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या रहेगा जो आपके इंपॉर्टेंट है, इन आइस ऑल H2O मॉलिक्यूल, ऑल H2O मॉलिक्यूल इन आइस, ऑल हटा दो भले ही, H2O मॉलिक्यूल हैविंग फोर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो चार हाइड्रोजन बॉन्ड H2O के एक मॉलिक्यूल में रहेंगे और हर मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। तो यहां ये मीनिंग निकल रहा है। दूसरा, इट हैविंग ओपन क्लीवेज स्ट्रक्चर, थर्ड ऑन हीटिंग, जैसे ही आप गर्म करेंगे इसको, ऑन हीटिंग क्लीवेज स्ट्रक्चर, क्लीवेज स्ट्रक्चर ब्रेक, सो वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड डेंसिटी इंक्रीजेस। इंक्रीजेस तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर आफ्टर ए सर्टेन पॉइंट हीटिंग, आफ्टर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हीटिंग, वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेस, वॉल्यूम अगेन इंक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस, डेंसिटी डिक्रीजेस। आपको ओपन क्लीवेज स्ट्रक्चर में बता रहा हूं कि कैसे हो रही है। देखिए ध्यान से, ये H2O का मॉलिक्यूल है, H H और O बीच में, ये H2O है, ये ओपन क्लीवेज स्ट्रक्चर हो गई, बीच में गायब है, कुछ भी नहीं है, क्या है, वैकेंट है, या सुनो कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा, जैसे हीटिंग करेंगे, अभी कितना टेम्परेचर है, 0, 1 करते ये टूट गया, 2 3 4, 4 तक आते आते ऐसे जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, 5 6 7 10, 10 तक आते आते यहां आ गया वापस। तो 0 डिग्री और 10 डिग्री में सिमिलर स्ट्रक्चर है, यानी कि 0 डिग्री आइस की और 10 डिग्री वाटर की डेंसिटी अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, बराबर हो गया। फिर उसके बाद 11 12 13 14 फिर बढ़ने लग जाएगा। तो आप ये बताइए, डेंसिटी भले ही आइस हो या 4 डिग्री हो या 10 डिग्री हो या 20 डिग्री हो, डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 1 ही रहेगी, बस अंतर ये होता है कि 0.94 या 0.1.4 इतने के बीच में मूव करती है, 1.04, 1.314, 1.3, बहुत कम, अप्रोक्सीमेट 1 ही रहती है, बस इतना दिमाग में रखना। तो अब आपको समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आसान भाषा में यही कहना चाह रहा हूं कि देखो, यहां डेंसिटी की अगर आप बात कर रहे हो तो सबसे ज्यादा कहां रहेगी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी, और उसके बाद क्या होने लग जाएगी, कम। तो ये आपके पास आ गया 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये आपके पास आ गया, अगर डेंसिटी यहां पर आपके पास आ रही है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 11 डिग्री सेंटीग्रेड, सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी आपकी। पहले बढ़ेगी फिर कम होगी, समझ में आ रही है बात। तो कुल मिला के ये हमारे पास वाटर के लिए हो गया, पक्का। तो ईच मॉलिक, अगर आपसे पूछा जाए ईच मॉलिक्यूल इन आइस हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन, तो आंसर क्या जाएगा, 4। तो आइस में 4 है, लेकिन अगर वाटर बोल दिया तो भी आपको आंसर तो 4 ही टिक करना पड़ेगा, भले ही ब्रेक हो जाए, बस वो जनरली हम वहां पर वो लगा सकते, बोलना पड़ता है जो मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं, तो इनके आंसर ऐसे नहीं होते, बस मैक्सिमम पॉसिबल, और वो 4 ही जाता है, भले आइस बोला जाए या वाटर बोला जाए। हाइड्रोजन बॉन्ड तो कितने हैं यहाँ पर, 4 दिख ही रहे हैं, ये ऑक्सीजन कितने बना रही है, 2, और ये 2 हाइड्रोजन है, ये भी आगे किसी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, समझ में आ गई बात। तो आप चाहें तो लिख लें ये, तो ये आपका मॉलिक्यूल हो गया। तो नंबर कितने हो गए, 1 2 3 4,
तो क्या आपको आइस का केस समझ में आ गया? अच्छे से लिख लें इसको।